Hello everyone, this is Raju here, and in this video we are going to talk about network topologies. So क्या होता है network topologies? So already हम लोग बात कर चुके हैं that a number of computing devices are connected together to form a local area network. So अगर बहुत सारे computing devices को हम आपस में connect कर देते हैं, ठीक है, तो क्या form होता है? एक लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म होता है, ठीक है. और ऐसे बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें इस तरीके, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क के, ठीक है, अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो क्या फॉर्म होता है? हमारा इंटरनेट फॉर्म होता है, ठीक है. तो तुम देख सकते हो जो हमारा इंटरनेट है उसमें पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ लोग कनेक्टेड है, पता नहीं कितने सारे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है. सो नेटवर्क टोपोलॉजीज का यहाँ पे क्या मतलब है, उसका क्या डेफिनेशन हुआ? सो यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो, द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी. सो किसी भी नेटवर्क में हमारे जो सिस्टम्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे है, किस तरीके से वापस में कनेक्टेड हैं, जो पैटर्न है उनका कनेक्ट करने का, उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी. जैसे अगर यहाँ पे तुम देखो तो मान लो एक सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है, मान लो स्विच है, स्विच या हब कुछ भी हो सकता है. इसमें एक हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर और कनेक्टेड है हमारा, और एक कंप्यूटर यहां भी कनेक्टेड है, और एक कंप्यूटर यहां से भी कनेक्टेड है. तो ये भी एक तरीका हुआ, ये एक सेंट्रल डिवाइस है और कई सारे कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, चार कंप्यूटर है यहां पे, तो इसको हम बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी, ठीक है. अब जैसे देखो, मान लो एक कंप्यूटर है, इससे हमारा दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, फिर इससे हमारा एक और कंप्यूटर कनेक्टेड है, अब इससे हमारा एक दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, और फिर ये वाला इससे कनेक्टेड है. तो ये सब आपस में कनेक्टेड है, ये सर्कल फॉर्म कर रहे हैं. तो ये जो अरेंजमेंट है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का, इसको बोलते हैं हम सर्कल टोपोलॉजी. सर्कल या इसका नाम आई थिंक कुछ और भी है, मैं अभी बताऊंगा. तो आई होप क्लियर हो गया होगा टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है. अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कि किसी भी लैंड में या किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में सिस्टम का, कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट क्या है. अब कंप्यूटर में बोल रहा हूँ तो प्रिंटर भी हो सकते हैं, तुम्हारे फैक्स मशीन भी हो सकते हैं, स्कैनर्स भी हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं, राइट. सो सबसे पहले बात करते हैं मैश टोपोलॉजी. मैश नाम से ही पता चल रहा होगा. सो देखो, अब डेफिनेशन देखो, जो लिखना हो मैं मार्क कर रहा हूँ वो लिख सकते हो, ठीक है. सो इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विथ एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क एज शो इन द फिगर. तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर डिवाइस नेटवर्क के बाकी सारे डिवाइस से कनेक्टेड रहता है. जैसे एग्जांपल, मान लो हमारा एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ए भी है, इस नेटवर्क में चार कंप्यूटर हैं. तो ये जो कंप्यूटर ए है ना, ये सबसे कनेक्ट होगा, कंप्यूटर बी से भी, कंप्यूटर सी से भी, और कंप्यूटर डी से भी. उसी तरह जो कंप्यूटर डी है वो भी सबसे कनेक्ट होगा, कंप्यूटर ए से भी, देन कंप्यूटर बी से भी, कंप्यूटर सी से भी. उसी तरह कंप्यूटर सी भी सबसे कनेक्टेड होगा, कंप्यूटर बी से भी, देन कंप्यूटर डी, देन कंप्यूटर ए. तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हर कंप्यूटर उस नेटवर्क के बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है डायरेक्टली. इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी. ओके, यहां पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक. अब जस्ट गिव मी अ सेकंड. सो अब यहां देखो आगे क्या दिया हुआ है. Such a complex network can handle large amount of traffic since multiple nodes can be transmit data simultaneously. अब mesh topology का एक फायदा है ना कि बहुत सारे data को हम handle कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि भाई data transfer करने के लिए बहुत सारे nodes हैं. अब तुम खुद देखो ना, ये जो हमारा system A है, तुम देखो यहाँ पे इससे भी directly connected है, इससे भी directly connected है, फिर इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी ये इन सबको एक साथ डेटा भेज सकता है, इतने सारे नोड हो गए, इसलिए फास्ट होता है मैश टोपोलॉजी. ऑल्सो सच नेटवर्क्स आर मोर रिलायबल इन द सेंस दैट इवन इफ अ नोड गेट्स डाउन इट डज नॉट कॉज एनी ब्रेक इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन अदर नोड्स. सो ये ज्यादा रिलायबल होता है मैश टोपोलॉजी. क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो एक नोड ब्रेक भी हो गया तो बाकी नोड तो काम कर रहे हैं ना. बाकी जैसे मान लो हमारा एक कंप्यूटर है और ये फर्दर तीन कंप्यूटर से कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है. अब मान लो ये वाला नोड ब्रेक हो गया किसी रीजन से, लेकिन तब भी ये दोनों नोड तो काम कर रहा है ना, तो इन दोनों कंप्यूटर से जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैश टोपोलॉजी का एक ये फायदा है. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा. फिर नेक्स्ट है,
दिस टोपोलॉजी इज ऑल्सो मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी बिकॉज ईच केबल बिटवीन द टू नोड्स कैरीज डिफरेंट डेटा. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. हाउएवर यहाँ बट यहाँ पे वायरिंग कॉम्प्लेक्स होता है, देख सकते हो ना ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग है. तो बस यही इसका ड्रॉबैक है. सो बाकी आई होप क्लियर हो गया होगा कि मेश टोपोलॉजी हमारा क्या होता है. सो मेश टोपोलॉजी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी क्या है, देखो ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस, वन ईच ऑन इधर साइड. ठीक है, अब यहाँ देखो हर नोड दो डिवाइस से कनेक्टेड है, एक इस साइड और एक इस साइड. फिर इस नोड को भी देखो, इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है. अब अगर हम इसकी भी बात करें तो इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और ये पूरा एक सर्कल फॉर्म कर रहा है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिंग टोपोलॉजी. इसको मैं सर्कल टोपोलॉजी बोल रहा था, एक्चुअली मैं गलत बोल रहा था वहाँ पर, सर्कल नहीं रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ देखो द नोड्स कनेक्टेड विथ ईच अदर डज फॉर्म अ रिंग. रिंग फॉर्म हो रहा है. द लिंक इन अ रिंग टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब डेटा एक ही. अब देखो ये जो सिस्टम है भाई, ये डेटा किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना. इधर भेजेगा तो डेटा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इधर भेजेगा तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. एक साथ दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, राइट? क्योंकि इधर से मान लो इधर से भी डेटा आ रहा है और इधर से भी डेटा इधर भी भेजने लगा तो ब्लॉक हो जाएगा, राइट? सो ये है हमारा रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी के बाद नेक्स्ट आता है हमारा बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी क्या होता है, अब यहां पे देखो एक मेन वायर हमारा जाता है जिसको हम बस बोलते हैं. देखो मेन वायर जा रहा है और इस वायर से सारे नोड सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो यहां पे आराम से अगर कोई भी डेटा को हम पुश करते हैं इस वायर के अंदर तो उस डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है. सिस्टम ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, डी भी कर सकता है. और ये जो तरीका है सिस्टम को मैनेज करने का, किसी भी नेटवर्क में अरेंज करने का, इसको हम क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी. तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो इन बस टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट टू अ ट्रांसमिशन मीडियम. तो देखो हर डिवाइस किससे कनेक्टेड है, ये जो मेन वायर है हमारा जिसको ट्रांसमिशन मीडियम बोलेंगे, ठीक है, वही दिया हुआ है, नोन एज बस. और इसी मेन वायर को बस बोलते हैं. डेटा सेंट फ्रॉम अ नोड, डेटा सेंट फ्रॉम अ नोड पास्ड ऑन टू द बस एंड हिंस आर ट्रांसमिटेड टू लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन. तो जो भी डेटा हम भेजते हैं इस बस में वो पूरे एंड तक ट्रेवल करता है, यानी इस नेटवर्क का हर डिवाइस उस डेटा को एक्सेस कर सकता है. ठीक है, वही दिया है, दैट मीन्स डेटा कैन बी रिसीव्ड बाय एनी ऑफ द नोड्स कनेक्टेड टू द बस. तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि बस टोपोलॉजी क्या होता है. सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. बस टोपोलॉजी के बाद आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी. ऑलरेडी मैं इसमें बात कर चुका हूँ. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस होता है, स्विच भी हो सकता है, हब भी हो सकता है, ठीक है, राउटर भी हो सकता है, और बाकी सारे डिवाइसेस इससे कनेक्ट रहते हैं. ठीक है, तो यहां देखो इन स्टार टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस लाइक अ हब और अ स्विच एज शो इन द फिगर. फिर स्टार टोपोलॉजी इज कंसीडर्ड वेरी इफेक्टिव, एफिशियंट एंड फास्ट एज ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस. अब देखो ये जो आर्किटेक्चर है बहुत फास्ट होता है. क्यों? ऑब्वियस ही बात है ना भाई. अब जैसे रिंग वाला ले लो, तो हमारा एक पीसी है जो दूसरे पीसी से कुछ ऐसे कनेक्टेड है, इधर वाले से भी हमारा कुछ ऐसे कनेक्टेड है, फिर ये पीसी है हमारा, अब ये इससे कनेक्टेड है, एक और पीसी हो गया हमारा, और ये इससे कनेक्टेड है, और इसी तरह ये वाला इससे कनेक्टेड है. अब मान लो पीसी ए को डेटा भेजना है पीसी सी को, तो डेटा भेजेगा तो पहले डेटा पीसी बी के पास आएगा फिर सी के पास जाएगा. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर रहा है. अगर ए को डेटा भेजना है बी को तो ये डेटा सीधे सेंट्रल डिवाइस के पास आएगा, यहां से बी के पास चला जाएगा, बीच में सिर्फ एक लेयर आ रहा है. बट यहां देखो, अब मान लो ए को डेटा भेजना है डी को, ठीक है, तो मान लो यहां बीच में और सिस्टम है, ठीक है, यहां पे अब पहले बी अगर इस डायरेक्शन से भेजेगा तो पहले बी के पास आएगा, फिर सी के पास आएगा, फिर डी के पास जाएगा. ठीक, तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी का फायदा है. सो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है. In a star topology, each communicating device is connected to a central node, which is a networking device like a hub or a switch. Fir, a star topology is considered very effective, efficient and fast as each device is directly connected with the central device. All the disturbance in one device will not affect the rest of the network. मान लो इस डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. ये बहुत अच्छा बेनिफिट है. ठीक है, बेनिफिट है और कई जगह ड्रॉबैक भी है, राइट? सो देन नेक्स्ट है हमारा ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी. हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है,
जब कितनी बार नेस्टेड टोपोलॉजी होता है ना, मतलब बहुत सारे लैन मान लो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे एक लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये लोकल एरिया नेटवर्क मान लो स्टार टोपोलॉजी के फॉर्म में है, मतलब ऐसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। उसी तरह मान लो एक और तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, यहाँ पे मान लो तुम्हारा, यहाँ पे भी तुम्हारा स्टार टोपोलॉजी के फॉर्म में है, ठीक है। और उसी तरह मान लो एक और मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, एक और है, ये भी तुम्हारा स्टार टोपोलॉजी के फॉर्म में है। तो ये सारे अलग अलग लैन है, मैं नाम दे देता हूं लैन बी, लैन ए और लैन सी। अब ये सारे लैन इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होंगे, उसके लिए मान लो ये हमारा एक मेन ऑप्टिकल फाइबर है जिससे सारे लैन कनेक्टेड है, लैन ए भी, लैन बी भी और लैन सी भी। तो एक हमारा बड़ा टोपोलॉजी बन गया जिसको हम बोलेंगे बस टोपोलॉजी। देखो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, मेन बस हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया जिससे सारे लैन कनेक्टेड हैं, दिख रहा है ना। तो नेस्टेड टोपोलॉजी भी इसको बोल सकते हैं कि बहुत सारे टोपोलॉजी एक मेन ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्टेड है, जो वापस एक बड़ी टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है जिसको हम हाइब्रिड या ट्री टोपोलॉजी बोल सकते हैं। तो यहां देखो वही दिया हुआ है, इन अ हायरार्किकल टोपोलॉजी इन विच देर आर मल्टीपल ब्रांचेज एंड ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजी लाइक ए स्टार, रिंग और बस, सच टोपोलॉजी आर यूजली रियलाइज इन वैन वेयर मल्टीपल लैन आर कनेक्टेड। भाई जब मल्टीपल लैन आपस में कनेक्टेड है उस नेटवर्क क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ देखो मान लो किसी का घर है उसके घर का नेटवर्क है, ए किसी का घर है उसके घर का नेटवर्क है, ए किसी और के घर का नेटवर्क है, ये सब स्टार के फॉर्म में है, स्टार टोपोलॉजी, बस किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब ये सारे के सारे जो लैन हैं ये कहाँ कनेक्टेड है, इस ट्रांसमिशन मीडिया से कनेक्टेड है, यानी ये क्या हो गया, बस हो गया। तो ये पूरा ये बड़ ये अब एक अपने आप में एक टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी, और जिसमें जो लैन कनेक्टेड है वो किस फॉर्म में है, वो स्टार टोपोलॉजी के फॉर्म में है, राइट। तो ये हो गया, ऐसे टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड या फिर ट्री टोपोलॉजी। तो आई होप नेटवर्किंग टोपोलॉजीज तुम लोग को इस वीडियो में क्लियर हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। सो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।